हेलो डियर व्यूअर्स, तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी का जो वीडियो है ये वीडियो मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों के लिए है जो बोर्ड एग्जाम फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, साथ साथ आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, सीबीएसई आईसीएसई मेरे प्यारे दोस्तों प्राइवेट रेगुलर कैंडिडेट, आप सबके लिए होगी ये वीडियो क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम करवा पाना मेरे प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसका सारा डिटेल्स एंड अपडेट मैं आप लोगों को हर वक्त प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में कि आपके एग्जाम कंट्रोलर यानी कि संयम भरद्वाज जी से जो इंटरव्यू में क्वेश्चन किया गया पिछले दिन, आप लोगों को मैंने पूरा रिपोर्ट दिखाया था, उनसे ये पूछा गया कि सर बोर्ड एग्जाम कैसे कराए जाएंगे, कैसे होंगे बोर्ड एग्जाम जबकि कोरोना के केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप सबको अगर ये चीज पता है तो आप सबको मेरे प्यारे दोस्तों ये चीज याद रखना है कि हमारे देश में फिर से 30,000 तो कभी 40,000 तो कभी 44,000 करके केसेस आने शुरू हो गए हैं। तो बहुत बड़ी रिपोर्ट है ये वीडियो, इस छोटे से वीडियो के बाद मेरे प्यारे दोस्तों सारा डिटेल्स मैं आपको देता हूँ। हेलो डियर व्यूअर्स, तो मेरे प्यारे दोस्तों अनअकैडमी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई है बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आप खुद कंप्यूटर गेम्स बना सकते हैं विदाउट राइटिंग एनी कोर्स। इस कोर्स के बारे में मैं आप सबको डिटेल्स दे दूँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये बिल्कुल भी फ्री अपॉर्चुनिटी है, फ्री जो कि अनअकैडमी की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए लाई गई है, जो कि है मेरे प्यारे दोस्तों सीबीएसई क्लास 6 टू क्लास 12। इस कोर्स में मेरे प्यारे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा स्टेप मैं आपको बताता हूँ। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर से आपको जो है अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेनी है। अगर वो आप उतना भी नहीं कर सकते तो आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन, सारे डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं आप किसी भी क्लास से हैं तो। और ये एक बहुत बड़ी ऑफर चल रही है मैं आपको बता दूं, आपको बस 7 डाउट्स पूछने हैं और बहुत ही इजीली और बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे प्यारे दोस्तों अनअकैडमी पे आपको सिखाया जाएगा हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू मेक कंप्यूटर गेम्स विदाउट राइटिंग एनी कोड्स। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिस ना करें, अभी पाएं उठाएं दुगने फायदे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि संयम भरद्वाज जी ने आपके एग्जाम कंट्रोलर ने एक बात कही थी, उन्होंने साफ साफ मना भी नहीं किया, उन्होंने साफ साफ ये भी नहीं कहा कि एग्जाम जो है मेरे प्यारे दोस्तों इसी डेट पे होगा। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना जवाब दिया, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं उनका आंसर क्या था कि हमें पता है कि एग्जाम के साथ कोरोना रहेगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि एग्जाम के साथ कोरोना रहेगा, लेकिन हम इस सिचुएशन को इग्नोर भी नहीं कर रहे हैं। अगर सिचुएशन कुछ खराब रहा, वो ऐसा करें कि आगे और अगर सिचुएशन खराब हुआ तो हम इसको लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ सोचेंगे। अब इस चीज को लेके मैं आप सबको कुछ डिटेल्स देना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप लोगों को ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ लेटेस्ट अपडेट में हमारे देश की हालत, देखिए उसके बाद बताता हूँ। देश के कई राज्यों कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में लगभग 44,000 मामले सामने आए हैं, वहीं लगभग 200 लोगों की मौत हो गई है। याद रखिएगा, बढ़ते मामलों के कारण राज्यों में ठीक है ना पाबंदियां फिर लगाना शुरू कर दी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद ये चीज ध्यान दीजिए, आपके स्कूल को और एग्जाम को लेकर बताता हूँ। कोरोना से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित हुआ है। राज्य के पालघर जिले के सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज, याद रखिएगा, होटल और निजी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। ठीक है, अगले आदेश यानी कि दोबारा वहां पे जो डिसीजन लिया जाएगी। और एक चीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, छात्रों और शिक्षक 30 लोगों संक्रमित पाए गए हैं वहीं पर विद्यालय में। पर जो नोटिस करने वाली चीज है, आप यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, स्कूल और ठीक है ना ऑनलाइन, यहाँ पे देखिए, इसके अलावा स्कूल को ऑनलाइन एग्जाम्स एंड ऑनलाइन क्लासेस को फिर से शुरू करने की बात शुरू हो चुकी है और स्कूल एंड कॉलेज बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों माफ करें, मेरा थोड़ा हिंदी रीडिंग थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बट आप सब देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, किस वे में ठीक है, किस वे में हम लोगों का फिर से जो है देश चल रहा है, यहां तक कि नाइट कर्फ्यू लॉकडाउन चल रही है। ठीक है, बेसिक चीज मैं आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि यहां पर फिर से ऑनलाइन की बात आ रही है, आप जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। तो यहां पर फिर से ऑनलाइन की बात उठ रही है, तो मैं आप सबको इतना ही समझाना चाहता हूं कि हर छोटी सी छोटी अपडेट तो मैं आपको देता हूं, आप अपना पढ़ाई करते रहिए, देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पता नहीं आने वाले मई मंथ में जब आपका एग्जाम शुरू होगा तब क्या सिचुएशन रहेगा हमारे देश में। अगर ऐसे ही करके पर डे केसेस आते रहे 40,000 50,000 तो असंभव है आपके एग्जाम को करवा पाना, क्योंकि आप देख सकते हैं जहां पर ऐसे कुछ केसेस आ रहे हैं, जहां पर 30,000 40,000 हमारे पूरे देश में आ रहे हैं महाराष्ट्र में, तो वहां सिर्फ आपको एक ही चीज सुनने को मिलता है, दैट इज लॉकडाउन एंड कर्फ्यू। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो लाइक करना ना भूले। मैं सारा डिटेल्स मेरे प्यारे दोस्तों और भी अच्छी अच्छी खबरों के साथ आपके मिलता हूँ अगली अपडेट में।